अब हम भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण किन किन स्टेज के ऊपर हुआ था, एक बार पहले देख लेते अपन। 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। आपको पता 1934 में एम एन राय ने प्रथम बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। कांग्रेस ने 1937 के फेजपुर 1937 में जिनका फेजपुर बंगाल में जो अधिवेशन हुआ था उसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था आधिकारिक रूप से। 1937 के फेजपुर बंगाल अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, 1939 में जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था मध्य प्रदेश में, त्रिपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में, उस अधिवेशन में इसको दोहराया गया था। ये तो थी पुरानी बात जो नॉर्मल सी अपन पहले जान चुके हैं इनके बारे में, लेकिन ये कुछ बच गया था। अब देखते हैं जो ये संविधान सभा थी, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया और एस सी मुखर्जी साहब को उपाध्यक्ष। 9 दिसंबर 1940 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में जो भी केंद्रीय कक्ष वहां का, उसमें जो पहली बार मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा साहब को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था और एस सी मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। ये कब की बात है, 9 दिसंबर 1946 की। 11 दिसंबर 1940 को, 11 दिसंबर 1940 को, इसके दो दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हरिश्चंद्र मुखर्जी, ये सच्चिदानंद सिन्हा साहब क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1940 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और बी एन राव साहब को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और बी एन राव साहब को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। आपको पता है 13 दिसंबर 1940 को, इसके दो दिन बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। और आपको पता उसी के आधार पर भारतीय संविधान में प्रस्तावना का निर्माण हुआ था। 13 दिसंबर 1940 को क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकृत किया गया और उसके बाद में संविधान निर्माण की क्रियाविधि सुचारू रूप से प्रारंभ हुई। संविधान निर्माण के लिए एक परामर्श समिति का गठन किया गया था। क्या किया गया, एक संविधान का जो स्टेप बाय स्टेप एक्चुअल जो स्टेप है कि संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ था वो एक्चुअल स्टेप बता रहा हूं मैं आपको, कौन कौन सी समिति की कितनी कितनी भूमिका थी अब भी जान जाएंगे आप लोग। एक परामर्श समिति का गठन किया गया। परामर्श समिति ने क्या किया, 60 देशों का संविधानों का अध्ययन करके, परामर्श समिति ने क्या किया, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसमें से जो भारत के संबंध में जो क्रियाएं या फिर जो रूल्स भारत में फॉलो हो सकते हैं उन रूल्स को लिया या फिर उन जानकारियों को लिया और एक संवैधानिक पूर्व दृष्टांत जारी किया। क्या किया, परामर्श समिति ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके उनमें उनके संविधानों में जो अपने लिए इंपॉर्टेंट था उन जानकारियों से संवैधानिक पूर्व दृष्टांत नाम से एक पूरी जानकारी तैयार की। ठीक है, 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके एक संवैधानिक पूर्व दृष्टांत जारी किया। ठीक है, उस दृष्टांत के आधार पर जो काम काम की चीजें थी, काम काम की जानकारी थी, इन्होंने भारतीय विधानमंडल में जितने प्रांत वगैरह जो सब नेता थे उनके पास में वो जानकारी भेजी और उनसे कहा कि भाई के आप इसमें अपना फीडबैक दे सकते हो कि हमें किस किस चीज़ को ऐड करना है, किस किस को नहीं करना, सब अपनी अपनी जो व्यक्तिगत विचार हैं इनसे संबंधित वो प्रदान कर सकते हैं। उन जानकारी आने के बाद में सभी विधानमंडलों के सदस्यों से वापस जानकारी आने के बाद में परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। पहले तो क्या किया, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, फिर विधानमंडल के सदस्यों को भेजा अलग अलग, फिर उनसे जो उत्तर आया उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, परामर्श समिति की रिपोर्ट तैयार की, एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट के आधार पर, परामर्श समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो बी एन राव जो संवैधानिक सलाहकार साहब थे,
बीएन राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। उस परामर्श समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही बीएन राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिस प्रारूप में 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां थी। परामर्श समिति की रिपोर्ट के आधार पर बीएन राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया जिसमें 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियां थी। यहां तक क्लियर? जो बीएन राव साहब ने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां, इनके ऊपर विचार करने के लिए, इस प्रारूप के ऊपर विचार करने के लिए ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्यों किया गया था प्रारूप समिति का गठन? बीएन राव द्वारा जो संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था उस प्रारूप के ऊपर अध्ययन करने के लिए ही 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब देखते हैं एक बार इसके सदस्य देख लेते प्रारूप समिति के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, अयंगर साहब सदस्य थे, के एम मुंशी साहब सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर सदस्य थे, मोहम्मद सादुल्ला सदस्य थे, पहले बी एल मित्र साहब थे जिनकी जगह एन माधवराव आए, और डीपी खेतान साहब की मृत्यु होने के बाद में टी कृष्णा आचार्य आए। ठीक है, फिर से देख लेते, 7 सदस्य थी, भीमराव अंबेडकर साहब अध्यक्ष थे, अयंगर साहब सदस्य थे, के एम मुंशी साहब सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब सदस्य थे, मोहम्मद सादुल्ला सदस्य थे, बी एल मित्र सदस्य थे जिनकी जगह पर बाद में एन माधवराव आए, और डीपी खेतान की मृत्यु होने के बाद में टी कृष्णामाचारी आए। ये थी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के सदस्य और अध्यक्ष। ठीक है, कब स्थापना हुई इसकी? 29 अगस्त 1947 को। क्यों हुई? बी एन राव द्वारा जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था उसके ऊपर विचार करने के लिए। इन्होंने इसके प्रारूप के ऊपर विचार करके क्या, प्रारूप समिति ने इस प्रारूप के ऊपर विचार करके 21 फरवरी 1948 को इसको संविधान सभा के समक्ष रखा, इसके ऊपर विचार किया, 29 अगस्त को स्थापना हुई, फिर इसके ऊपर विचार किया, और फिर 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष रखा। जब इन्होंने संविधान सभा के समक्ष रखा तब इसमें 315 अनुच्छेद वे 8 अनुसूचियां थी। क्या था? 315 अनुच्छेद वे 8 अनुसूचियां थी। इसमें कितना था? 243 अनुच्छेद वे 13 अनुसूचियां, जबकि जो इन्होंने रखा उसमें 315 अनुच्छेद वे 8 अनुसूचियां। पुनः इसके बाद में सेकंड टाइम इन्होंने 26 अक्टूबर 1948 को, पहले तो कब रखा? 21 फरवरी 1948 को इसमें यह था, फिर वापस विचार किया। ठीक है, विचार करने के बाद में फिर 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष रखा। जब 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष रखा तब इस पर बहुत लंबा चौड़ा मंथन हुआ। ठीक है, इसमें 3 वाचन हुए थे, पर प्रथम वाचन था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को, बहुत छोटा टाइम है ये। सेकंड जो वाचन था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ये बहुत लंबे टाइम का था, इसमें बहुत व्यापक रूप से विचार विमर्श हुआ, सारे निर्णय बहुमत से लिए गए, और ये बहुत लंबा चला है विचार विमर्श। इसमें 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, इस समय में 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जब जिनमें से 2,437 को स्वीकृत किया गया। 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, वे 2,437 संशोधनों को स्वीकृत किया गया, निर्णय बहुमत से लिए गए, और इसमें जो वाचन हुआ था वो 7वें से 10वें अधिवेशन तक चला था। जो संविधान सभा का जो 7वां से 10वां अधिवेशन था, कुल 12 अधिवेशन हुए थे, लेकिन जो 7वें से जो 10वें अधिवेशन था उसमें ये सेकंड वाचन चला था। तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। तीसरा वाचन कब हुआ था? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, अंबेडकर साहब ने संविधान तैयार करके, ये प्रारूप समिति थी जो संविधान का प्रारूप उन्होंने तैयार किया था, उसको तैयार करके जो संविधान सभा द्वारा जो संविधान तैयार किया गया था उसको पारित करने का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा द्वारा जो तैयार संविधान था उसको पारित करने का प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और ये कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1939 को, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। इस पर हस्ताक्षर किए थे 284 उपस्थित सदस्यों ने,
जो संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो ये क्वेश्चन बड़ा गजब का बनता है, कितने सदस्यों ने इसके ऊपर साइन किए थे? तो 284 सदस्यों ने, कितने 284 सदस्य थे जिन्होंने इस पर साइन किए थे, जिनमें कुछ महिलाएं थी, 8 महिलाएं थी उस समय, जिनमें से कुछ मुख्य देख लीजिए, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई। 8 महिला सदस्यों में कुछ मुख्य महिलाएं सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई। इस संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। कुल बहस हुई थी इसमें 14 दिन की। कुल बहस कितने दिन की हुई थी? 14 दिन की। पॉज कर देना। बहस चली थी इसमें 114 दिन। इसको अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकृत किया गया था इसको? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अनुच्छेद कितने थे? 395। कितने अनुच्छेद थे? 395। अनुसूचियां कितनी थी? 8। और भाग कितने थे? 22। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, तब संविधान में कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 8, भाग 22। संविधान की 12वीं और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 नवंबर 1950 को। संविधान की 12वीं बैठक कब हुई थी? 24 नवंबर 1949 को। और इसी दिन निर्णय लिया गया कि 26 नवंबर 1949 को क्या होगा? संविधान को अंगीकृत किया जाएगा। और पूर्ण रूप से लागू कब किया जाएगा? पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा 26 जनवरी 1950 को। क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा? क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जब मध्य रात्रि में तिरंगा फहराया गया था, तो उस समय निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1947 तक, उसके बाद में भी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। और उसी याद को बरकरार रखने के लिए इन्होंने 26 जनवरी को ही संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की तिथि निश्चित की थी। अंतिम बैठक हुई थी 24 नवंबर को। संविधान सभा अब अंतरिम संसद में बदल गई। संविधान सभा किस में तब्दील हो गई? अंतरिम संसद में तब्दील हो गई। और जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो क्या हो गए अब? भारत के राष्ट्रपति। संविधान सभा अंतरिम संसद में तब्दील हो गई और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुन लिए गए। और इसी दिन राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत स्वीकार कर लिया। आपको पता है राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि नामक पुस्तक से लिया गया है, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। इनको कब स्वीकार किया गया था? 24 नवंबर 1949 को। जो अनुच्छेद 393 है, उस 393 में भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान दिया गया है। यदि पूछा जाए कि भारत का संविधान, जो संक्षिप्त नाम है भारतीय संविधान का, वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 393 में दिया गया है। और अनुच्छेद 394 संविधान लागू होने के बारे में है। अनुच्छेद 394 के इसके बारे में, संविधान के लागू होने के बारे में है। जो 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, 15 अनुच्छेद जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, वो देख लेते हैं अपन। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 393, 394, ठीक है। ये 15 अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर को लागू हुए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 393 और 394, ये 15 अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। अब संविधान निर्माण समितियां बच गई अपने, समितियां देख लेते अपन।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में कौन कौन सी समिति थी? इनके पास में थी संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति के ये अध्यक्ष थे, संघ शक्ति समिति के ये अध्यक्ष थे और राज्य समिति के ये अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू तीन समितियों के अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति। सरदार पटेल साहब भी तीन समितियों के अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार संबंधी समिति और अल्पसंख्यक समिति। सरदार पटेल साहब किन किन समितियों के अध्यक्ष थे? प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार संबंधी समिति और अल्पसंख्यक समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे, नियम समिति के अध्यक्ष थे और देसी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रहे यहां पर सरदार पटेल देसी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष नहीं थे, देसी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे ज्यादा देसी रियासतों को हैंडल किसने किया था? सरदार पटेल ने। के एम मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी साहब थे। आचार्य जेबी कृपलानी साहब मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे, सरदार पटेल साहब मूल अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष थे जबकि आचार्य जेबी कृपलानी मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, बी पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया कौन थे? आवास समिति के अध्यक्ष थे। बी पट्टाभी सीतारमैया कौन थे? आवास समिति के अध्यक्ष थे। और प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी। देखिए मूल अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल और मूल अधिकार संबंधी उप समिति के जे बी कृपलानी साहब, अल्पसंख्यक समिति के सरदार पटेल साहब और अल्पसंख्यक उप समिति के हरिश्चंद्र मुखर्जी, बी पट्टाभी सीतारमैया, आवास समिति के और प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आपको पता है ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। ठीक है, बी पट्टाभी सीतारमैया वही व्यक्ति थे जो गांधी जी के कैंडिडेट थे जिनको 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। ध्यान होगा आप लोगों को। ये थी संविधान निर्माण की कुछ मुख्य समितियां। यह अपना ये टॉपिक पूरा हुआ। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।